अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गोगी टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज फिर से मैं एक और छोटा सा ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ, और वो रहा पेट्रोल पंप को लेकर। और यहाँ पर जो सऊदी गल्फ कंट्री के जो पेट्रोल पंप पे क्या कुछ फैसिलिटी हमें मिलती है, यानी सब के बारे में मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। तो ये रहा अपना दोस्त रिपोन, और ये रहा बांग्लादेश है, और ये भी मेरे साथ काम करता है। भाई साहब कुछ बताना चाहते हो अपने सब्सक्राइबर के लिए? कुछ तो बताओ। आप सब लोग मेरे भाई का चैनल को फॉलो करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करके दो। माशाल्लाह, शुक्रिया भाई, शुक्रिया। तो दोस्तों मैं यहाँ पर अभी आया हूँ, लगभग नज़दीकी हूँ। तो ये जो एरिया है इसको बोलते हैं दरिया या दरिया। तो यहाँ पर एक हाईवे है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो पीछे जो सऊदी अरेबिया का जो फ्लैग है वो दिख रहा है आपको। और ये देखिए यहाँ पर कितने गाड़ियाँ यहाँ पर फिरते हैं, हमेशा ये रोड इतना बिजी रहता है। तो फाइनली वो रहा जो अपना ये जो है ना पीछे वाला, ये रहा पेट्रोल पंक, और वहीं पर अभी हम जा रहे हैं। तो पेट्रोल पंक की जो खासियत क्या है यहाँ पर बोले तो सिर्फ पेट्रोल पंक ही नहीं, बल्कि वहाँ पर होटल भी रहता है, दुकान भी रहता है कि छोटे मोटे जो भी आपको सामान ज़रूरत पड़ता है इमरजेंसी सब कुछ वहाँ पर मिल जाता है। इवन आपकी कार को सर्विस कर सकते हो, और हर पेट्रोल पंक में ATM कंपलसरी रहता है। पेट्रोल का जो रेट देखिए वहाँ पर रेट है 91 का है 2.18 रियाल, और 95 का है 2.33, और पेट्रोल जो है 0.63 हलाला। तो ये रहा पेट्रोल बंक, और ये रहा सामने जो दिख रहा है वो सुपरमार्केट, और यहाँ पर कार वॉश कर सकते हो आप, और यहाँ पर भी बहुत सारे दुकान्स है वो अभी क्लोज हुए हैं, पता नहीं क्या रीज़न है। और वहाँ पर आपको सर्विस के लिए भी वहाँ पर एक गैरेज खुला है, और यहाँ पर आपको कॉफ़ी शॉप भी देखने के लिए मिल जाता है। जैसे कि देखिए बहुत ही छोटा है लेकिन कॉफ़ी शॉप आपको मिलता है यहाँ पर। आप वहाँ पर कोल्ड कॉफ़ी, हॉट कॉफ़ी, जो भी आप कैपेचिनो वगैरह लेना चाहते हो तो ले सकते हो। और साथ ही साथ मस्जिद आपको नमाज़ पढ़ने के लिए। और यहाँ पर देखिए ये रहा बकाला, तो अभी हम बकाले में जा रहे हैं। बताना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको पानी वगैरह मिल जाता है, पानी आपके जो भी बिस्तर वगैरह चाहे वहाँ पर मिल जाता है। और यहाँ पर देखिए आपको शैम्पू है, बच्चों के खिलौने हैं, बेल्ट्स है, सोप है, सब कुछ, शूज़, सॉक्स, चप्पल, इवन आपको यहाँ पर कुर्सी मिल जाती है, और कुछ सामान है यहाँ पर देखिए। तो ये रहा हर तरीके से आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। और बस इतना ही नहीं, यहाँ पर होटल्स नहीं है, तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स भी यहाँ पर है कुछ यहाँ पर देखिए, सब कुछ जो भी आपको ज़रूरत पड़ेगा वो सब कुछ यहाँ पर मिलेगा इंशाल्लाह। भाई साहब है यहाँ पर दुकान के, ये दुकान का नाम क्या भाई? दुराल अबरार। बताओ ना कुछ अपने बारे में, कहाँ से हो आप, कौन से कंट्री से हो, कब से काम कर रहे हो? उधर तीन साल से काम कर रहे हैं। ये बोल रहे भाई साहब इंडिया से हैं, और भाई साहब कितने 3 सालों से काम कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है भाई, आपसे मिलकर बहुत बहुत खुशी हो गई। ये रहा अभी हमने मैगी लिया है, 8 रियाल का है ये,
और ये रही प्याज, प्याज की जो कीमत है 12 रियाल है इसका, यानी इंडिया का 140। और ये रहा जूस सेक्शन, हर तरीके का जूस, ये देखिए यहाँ पर एप्पल जूस है और ग्रेप जूस जूस और ये क्या है ऑरेंज जूस, सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है। बस पैसा होना चाहिए, पैसा है तो सब कुछ है, अगर पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अनार का जूस है ये, और यहाँ पर देखिए जो हम लस्सी वगैरह पीते हैं तो यहाँ पर बॉटल में पैक हो के कुछ इस तरह से मिल जाती है ये सब, और भी होगा कुछ इस तरह से। ये रहा कुछ एक छोटा सुपरमार्केट का एक व्यूज, और यहाँ पर देखिए बहुत सारे आपको जो एनर्जी ड्रिंक मिल जाते हैं, लूसिया बोलते हैं ये, जस्ट लाइक बियर विदाउट अल्कोहल। बहुत सारे ब्रेड्स है, अलग अलग तरीके के ब्रेड है, यहाँ पर भी छोटे छोटे ब्रेड्स है जो सब एक रियाल डेढ़ रियाल के है ये सब। आपको इसी सुपरमार्केट में आपको मोबाइल रिलेटेड गैजेट भी यहाँ पर मिल जाते हैं, जैसे कि केबल हो गया, चार्जिंग अडाप्टर हो गया, और इवन आपको यहाँ पर करेंसी भी मिल जाती है, करेंसी उठा देगा ना, रिचार्ज भी करते हैं। और ये भाई साहब का नाम पूछते, भाई साहब आपका नाम बताइए। ये मिसर से हैं भाई साहब, और बहुत ही बेहतरीन एक किस्म के इंसान है, बहुत ही अच्छे फ्रेंडली है, जब भी हम आते हैं हंसते हंसते बात करते हैं। तो ये रहा कैश काउंटर, फाइनली यहाँ पर बिल बनाना है, चलिए भाई शुक्रिया। तो बस इसी के साथ अपना वीडियो हम ख़त्म कर रहे हैं, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।